2 महीने में 2 दफ़ा US जाना, ठीक है, वो तो लोगों को समझ आता है, लेकिन अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आता कि मैं इतना ट्रैवल कैसे कर लेती हूँ। मेरी स्किन भी इतनी थक चुकी है, लेकिन मैं काफ़ी हद तक फ्रेश हूँ। वेल, थोड़ी सी डिटेल में मैं जाती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं अपने साथ हमेशा क्या क्या चीज़ें रखती हूँ जब भी मुझे लंबा ट्रैवल करना होता है। ये जो पाउच आप देख रहे हैं मैंड्रिन का, लेकिन मुझे एक फ़्लाइट में मिला था टर्किश एयरलाइन से मोस्ट प्रॉबेबली, उसके अंदर एक क्यूट सा छोटा सा टूथब्रश और टूथपेस्ट भी था। साथ में मैं हमेशा फेस वॉश कभी ना कभी रखती हूँ, क्योंकि मुझे मुझे कभी ना कभी ज़रूरत महसूस ज़रूर होती है, क्योंकि इतनी रिकॉर्डिंग्स, इतना हेक्टिक स्केड्यूल जब भी रहता है ना, तो इस तरह की चीज़ें चाहिए ही होती हैं। सो आई ऑलवेज कीप दीज नेसेसरी थिंग्स इन माई बैग ऑल द टाइम। और जैसे कि मेरे साथ हुआ भी कि मुझे अपने हैंड कैरी को सबमिट करवाना पड़ा, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ स्टफ़ इन माई हैंड एज वेल, सो दे सजेस्टेड कि हम हैंड कैरी को भी चेक इन कर देते हैं। सो मेरे एक्चुअल हैंड बैग में सिर्फ ये वो पाउच था जो कि हर टाइम मेरे साथ होता है। दिस वॉज अ पाउडर सनस्क्रीन जो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ सिर्फ रीडू करने के लिए, लेकिन इस दफ़ा मेरे पास सनस्क्रीन भी नहीं थी, इतना बाहर एक्सपोजर भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा इट्स गुड जितना बच सकें। थोड़े से मेकअप था, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट था, एक ही लिपस्टिक थी, उसी को कुछ गुजारा करके जो है ना इतनी सूरत मैंने निखार ली कि बस गुजारा ही हो जाए। ये एयरपोर्ट पर किसने देखना है, बस डिसेंट लगना चाहिए, फ्रेश लगना चाहिए, दैट वॉज द पर्पज। कोई ज़्यादा हेयरडू नहीं किया, थैंक गॉड कि मैंने प्राइम कैरेटिन करवा ली है और अब मुझे कुछ अपने बालों के साथ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। दिस वॉज माई बैग जो कि मेरे पास था, और साथ में ये छोटी सी चीज़ें थी, इसको मैंने बैग से निकाला, थोड़ा सा सॉर्ट आउट की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे हैंड बैग के अंदर ऑलरेडी थी जो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। बट दिस इज़ हाउ आई प्रेफर ट्रैवलिंग, हैविंग माई न्यू लैपटॉप इन माई हैंड, बिकॉज उसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी ना, थॉट के काम भी कर लेंगे इसके ऊपर, भाई सेटअप भी करना है, लंबे काम उसमें टाइम लग जाते हैं, 8 घंटे थे भाई मेरे पास बहुत कुछ करने को। लैपटॉप पे काम किया, इधर उधर ज़रा सॉन्ग्स वगैरह सुने, वीलॉग्स देखे, फिर भी थक गई। फिर सोचा क्या करूँ, तो फ्रेंड से बात भी कर ली, जितने दूर परे के रिश्तेदार तो नहीं दूर परे के दोस्तों के साथ जो है ना गपशप होती रही। अगेन आई प्रेफर कि अगर आप किसी भी एयरपोर्ट में हो ना, गेट दीज ट्रॉलीज, दीज आर लाइफ सेवर, वॉशरूम में भी आप इजीली लेके जा सकते हैं। बट बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आपने मेरी तरह घूमना है, ज़्यादा देर एक जगह पे नहीं बैठ सकते, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू रोम अराउंड। 8 घंटे छोटा सा एयरपोर्ट, टाइम गुजर गया, पता भी नहीं लगा, यू वोंट बिलीव मी, लेकिन 13 आवर्स की फ़्लाइट के बाद जो है ना वॉक मैंने तकरीबन इतनी कर ली थी कि आई वॉज़ गुड टू गो फॉर अनदर 10 आवर्स। बट थैंकफुली मेरी अगली जो फ़्लाइट थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे की, और उस 2.5 घंटे में भी बड़ा ईजिली एक मूवी देखी एंड आई रीच पाकिस्तान। सो आई नो दिस वॉज नॉट समथिंग दैट यू वुड हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम माई ब्लॉग, बट मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।